तो स्टीयरिंग में लगी खोपड़ी फाड़ लगी स्टीयरिंग में लगी वो पीछे गाड़ी कौन सी आ रही है भाई ये कौन सी गाड़ी आ रही है देखियो ये गाड़ी आ रही पीछे तो स्टीयरिंग में लगी खोपड़ी फाड़ लगी स्टीयरिंग में लगी वो पीछे गाड़ी कौन सी आ रही है भाई ये कौन सी गाड़ी आ रही है देखियो ये गाड़ी आ रही पीछे कल रात्रि 2 बजे थाने के आसूचना अधिकारी श्री प्रभु सिंह कांस्टेबल को सूचना मिली थी कि डी भरतपुर की तरफ से एक सफ़ेद कलर की स्कॉर्पियो में कुछ गो तस्कर गोवंश को भरकर हरियाणा की तरफ ले जा रहे हैं। सूचना पर धमारी मोड़ पुलिस चौकी पर लोहे के कांटों की बैरिकेडिंग लगा के नाकाबंदी शुरू की गई। थोड़ी देर बाद उक्तूलिए की एक स्कॉर्पियो डिग की तरफ से आई जो कांटों को पार करती हुई कामा की तरफ निकल गई, जिस पर पुलिस टीम द्वारा उसका पीछा किया गया। कांटों से निकलने के कारण वाहन के 3 टायर पंचर हो गए। उसके बावजूद भी गो तस्कर वाहन को रिमो के सहारे करीब 8 किलोमीटर भगा करके कामा पहाड़ी बाईपास तक पहुंच गए। पुलिस टीम द्वारा लगातार नज़दीकी से पीछा किया गया। कामा पहाड़ी बाईपास पर ईदगाह के पास वाहन अनियंत्रित होकर के झाड़ियों में व पेड़ों से टकरा गया, जिसमें से 5 व्यक्ति निकलकर भागने लगे, जिसमें से दो व्यक्तियों को पुलिस टीम द्वारा मौके पर पकड़ा गया। पकड़े गए व्यक्तियों में सरफराज निवासी सिरोली जो कि वाहन चालक था, वह दूसरा व्यक्ति जमशेद जो कि उटावड़ का रहने वाला है। वाहन चालक सरफराज के हाथ पैर व सिर में काफ़ी चोटें होने के कारण उसका इलाज RBM भरतपुर में चल रहा है। जमशेद को गिरफ्तार कर लिया गया है। जमशेद पहले भी अक्टूबर 2020 में लाल कलर की स्कॉर्पियो पुलिस थाना खोल द्वारा पकड़ी गई थी, उसमें भी वांछित चल रहा है।